एक्स रुपए की राशि उधार ली गई और इसका भुगतान दो बराबर किस्तों में किया गया है, जिसमें से प्रत्येक किस्त कितना है 35,280 का था। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो एक्स का मान निकल, तो 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि हमारा मूलधन हुआ 20 और मिश्रधन हुआ 20। सेकेंड ईयर के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका 21 का करेंगे, ठीक। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, ठीक है, क्योंकि हमको इसको भी 21 करना होगा, मतलब 441 करना होगा, 21 से गुना किया, इसको भी 21 से गुना करना होगा। अभी क्या हो गया? ये हो गया हमारा 21 दुना का 42, 420, और ये हो गया हमारा 400, कितना हो गया 820। तो ये हमारा टोटल मूलधन है यार, और टोटल राशि। अब यहाँ पर दिया हुआ है किस्त हमारा कितना है 441, लेकिन यहाँ दिया कितना है 35,280 ना, 35,280, यानी कि 441 जो है वो 35,280 के बराबर है। कितना बार में कटेगा? 80 बार में कट जाएगा, 8 × 8 काटते हैं इसको, 8 × 8, ठीक है ना, 8 × 32 का 2 बचा कितना 3, और फिर 8 × 32 और 3 35, 80 बार में कट गया, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आया? 80 आया। किसका वैल्यू निकालना? 820 का, तो 80 से गुना करेंगे, 2 को 0 यहाँ पर लिख दीजिए, 8 × 16 = 6 बचा 1, 68 × 64 = 65,600 हमारा ऑप्शन नंबर।